सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे के बैक डिजाइन। ये हमने कपड़ा लिया है पीछे के पल्लर के लिए। इसकी लंबाई है 15, चेस्ट है 18, तो ये 9 इंच का पल्लर है। अब हम इसमें पहले 5.5 के शोल्डर लेंगे, यहाँ से हम 6 इंच के आरूमल लेंगे और इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे 7 इंच का। इसमें हम इस तरीके से गोल शेप देंगे। ये हमने इसका गला काट लिया। तरीके से हमने चौकू के कपड़े की पट्टियाँ लगाएंगे। इस तरीके के हमने चौकू के कपड़े काट लिए हैं। एक दूसरे को नीचे लगाएंगे। ये हमने चौकू के कपड़े काट के इस तरीके से ये पट्टी बना ली है। अब हम ये पट्टी यहाँ से गले पे लगाएंगे। अब हम दूसरी सिलाई यहाँ पे लगाएंगे जिससे पट्टी हमारी दब जाए। अब हम यहाँ से जिस तरीके का हमारा गला कटा हुआ है उसी तरीके का हम इसमें शेप देंगे। अब हमने गले पे पट्टी और ये भी कपड़ा ये हमारा, जैसे हम गले की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से हमने पट्टी बना के इस पर लगाएंगे। हम इसमें एक सिलाई और लगाएंगे अंदर की साइड में कपड़ा दबा के। और इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे। अब हमने डोरी बनाई है और ये भी कपड़ा करके इस पट्टे को हम यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरा पल्लर तैयार करेंगे।
अब हम ये पाइपिंग लगाएंगे। अब हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसके नीचे एक चौकुटा कपड़ा लगाएंगे। इसको हम इसके नाप से यहाँ से हमने ये कपड़ा लगाया है, इसको भी हमें यहाँ से ही लगाना है। अब आप इसको पीछे वाले पल्लर में इस तरीके से जोड़ लेंगे तो इतना ये चौड़ाई में हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा ब्लाउज का पीछे का बैक डिज़ाइन बन गया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।